प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भारत की शानदार जीत पे हम देखेंगे पाकिस्तानियों का बड़ा जबरदस्त और मजेदार रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। बदला पूरा हो गया और उन्होंने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट आपको एक तमाचा मुंह पर मारा कि अब आप कहें कि हमारा फेवरेट ओपोनेंट है, अब आपको हार के कैसा लगेगा। ऑस्ट्रेलिया ना बड़ा एरोगेंट बनता था ये वो, मतलब इंडिया को उन्होंने बड़ा लिया हुआ था, इजी लिया हुआ था कि इंडिया टीम है ही कुछ नहीं, वो ही बस ठीक है एक वर्ल्ड कप क्या जीत जाते हैं, इन्हें लगता है कि यही जीत चले जाएंगे। लेकिन आप बड़ा जैसे विराट कोहली आउट हुआ, रोहित शर्मा पे खड़ा हो गया, उसे पता था कि आज मैंने मारना है और ऐसी मार पिलाएगा ऑस्ट्रेलिया अपने ख्वाबों में, अपनी सारी जिंदगी याद रखेगा कि यार किसी टीम के साथ मैंने पंगा लिया था, रोहित शर्मा के साथ मैंने पंगा लिया था और ओडीआई वर्ल्ड कप हमने इनसे छीना था। यार मैं कहता हूं कमाल हो गया, आज मैच देखने का मजा है। 205 का टारगेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, यार यकीन करें मैं कहता हूं जो रियल क्रिकेट है ना वो इंडिया की बैट से ही देखने को मिलेगा। फिलहाल में आज रियल क्रिकेट खेला है, आज वाकई जो है ना उन्होंने देखें सूर्य कुमार यादव भी परफॉर्म कर गया, हार्दिक पांड्या परफॉर्म कर गया, शिवम दुबे परफॉर्म कर गया, मतलब आज अगर स्ट्राइक रेट देखा जाए सबकी स्ट्राइक रेट जो है वो तगड़ी तगड़ी रही है। सर मान गए आज, मान गए कि आज इंडिया जिस लेवल के क्रिकेट खेल सकते हो, साथ ये भी मान गए कि रोहित शर्मा बड़े मैच का प्लेयर है, बड़ी इनिंग बड़ा मैच बताया भाई। भाई ऑस्ट्रेलिया जिसके पास हजारों ट्रॉफियां पड़ी हैं, जो ट्रॉफियों का बाबा माना जाता है, उसके खिलाफ आके जो है वो रोहित शर्मा ने बल्ला खोला 92 रन सर, और सेंचुरी का लालच भी नहीं किया। ये देखें ये ब्रेवरी होती है कि आप मतलब ये क्लोज सेंचुरी हो, आप कहेंगे सेंचुरी हो जाए मेरा रिकॉर्ड में, उसने नहीं देखा, उसने रिस्क लिया शॉट के लिए और बोल्ड हुआ वहां पे ब्रेव, उसने जो ब्रेव जाके ब्रेव जगह पे आउट हुआ, ये इसको सैल्यूट जाता है, इस इनिंग को ये तारीख में लिखी जाएगी इंडिया की। 92 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा ने कैप्टेंसी प्रूव की है अपने, उसने बताया कि कैप्टन क्या होता है, रोहित शर्मा ने आज बताया। और इंडिया की बॉलिंग लाइन को सैल्यूट है कि जिस तरह शुरू शुरू में ऑस्ट्रेलिया के बॉलर ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन टूट पड़े थे, मिचल मार्श उसके बाद ट्रेविस हेड, तो वहां पर जिस तरह अर्शदीप ने पहले ओवर में आके विकेट लिया वो कमाल की। अर्शदीप तो भाई इस टूर्नामेंट में ना मैं कहता हूँ मैजिकल परफॉर्मेंस रहे, मजिशियन बॉलर रहे अगर कहा जाए तो, भाई जब भी आता है बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। यही तो आपका ओपनिंग बॉलर का यही जादू होना चाहिए कि पहले ओवर में आके पार्टनरशिप तोड़े, पहले ओवर में आके विकेट तोड़े ताकि जो उसके ऊपर प्रेशर जाए। उसके बाद दूसरे ओवर में आके कुलदीप यादव ने एक अच्छी पार्टनरशिप तोड़ी कि मिचेल मार्श को उसने चलता किया, ये ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श की जो पार्टनरशिप लग चुकी थी बहुत महंगी पड़ी थी, वहां पे कुलदीप यादव ने आके अपना जलवा दिखाया, अपने जादू दिखाया, उसने मिचेल मार्श को चलता किया, वहां से जो मैच है वो पलटा इंडिया की साइड से और इंडिया सेमीफाइनल के साथ क्वालिफाई भी कर चुका है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टीम को उन्होंने बाहर भी धकेल दिया, बदला भी पूरा हो चुका है। आज बॉलिंग में भी डोमिनेंट रहे, बैटिंग में भी डोमिनेंट रहे, फील्डिंग में भी डोमिनेंट, विराट कोहली का अग्रेशन भी देखने वाला था आज कह सकते हैं कि भाई आज उनको बांध के मारा है आज ऑस्ट्रेलिया को। जिस तरह हराने का हक है, जिस तरह किसी बदला लेने का हक है, वो आज इंडिया ने अदा किया, भाई मजा आया मजा आया। ऐसा नहीं कि 150 रन देके उन्हें हरा, ना ना टारगेट बड़ा सेट किया, 205 रन सेट करके उनको जो है फिर घुसाया कि थोड़ा लालच दिया, 100 खान उनको करने दिया और फिर हरा है, मतलब यार एक मतलब उनको लगा कि मैच जीतने लगे, उनकी खुशियां तोड़ी, उनके ख्वाब तोड़े और ऑस्ट्रेलिया का ट्रॉफी वाला ख्वाब तोड़े। अब भाई इंडिया के लिए ग्राउंड साफ है, अब इंडिया को पता है कि ट्रॉफी इंडिया के अंदर आएगी, कोई टीम ऐसी नहीं है, कोई माई का लाल ऐसा नहीं जो इंडिया को रोक सकेगा। अब T20 वर्ल्ड कप कैसे 100% इंडिया के हाथ में ट्रॉफी, 110% इंडिया के अंदर ट्रॉफी है भाई, एक ऑस्ट्रेलिया था, एक ऑस्ट्रेलिया का थ्रेट था, बाकी तो बच्चा टीम है यार, क्या ये इंग्लैंड क्या उखाड़ेगा, साउथ अफ्रीका क्या उखाड़ेगा भाई, उस्ताद ने भी हरा दिया, अफगानिस्तान ने शागिर्द ने भी हरा दिया, मतलब कि दोनों ने आज भाई बदले भाइयों, दोनों साथ शागिर्द ने ऐसा पेला है ना, ऑस्ट्रेलिया याद रखेगा उसे याद आएगा कि मैंने जो अफगानिस्तान के साथ सीरीज एट मोमेंट पे जाके कैंसिल की थी, मैंने अफगानिस्तान को उसकी अफगानिस्तान की सीरीज नहीं साथ खेली ऑस्ट्रेलिया, वही तो एंड पे जाके सीरीज कैंसिल की है, तो अफगानियों ने बदला लिया, घुस के बदला लिया और ऐसी गालियां उन्होंने ग्राउंड में निकाली, घसीटा इनको ग्राउंड में, और उसके बाद इंडिया ने कहा भाई आ जाओ हम आपको बताते हैं कि किस तरह किसी के साथ सीरीज नहीं खेलते, आप अफगानियों को प्लेयर नहीं समझते, अफगानियों तो आपको घुसाए घुसाए, अब हमारा लो, और जिस तरह उन्होंने मारा ना भाई, ये ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं भूलेगा, ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी टीम है, बड़ी टीम को इंडिया ने रौंदा है, ये पीछे हिस्ट्री देख ले, 31 मैच है, 32वां मैच था इनका और इंडिया इनसे 22 मैच जीत चुका है, ठीक है, तो ये 9-10 मैच जीते हैं, ऐसे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया बड़ी चीज, इंडिया बहुत बड़ी चीज है, इनसे अपने सारे बदले पूरे कर लिए हैं भाई, ठोका ऐसे है कि मैं कहता हूँ ऐसे लात मार के ना उनको स्टेडियम से बाहर मार दिया और यूएसए से भी बाहर निकाल दिया, वेस्ट इंडीज T20 वर्ल्ड कप से बाहर निकाल के उनको कहा कि भाई फ्लाइट पकड़ो और ऑस्ट्रेलिया जाके मेलबर्न जाके उधर लैंड करो आप लोग, आपके बस की बात ही नहीं है भाई T20 वर्ल्ड कप खेलना, नो मोर T20 वर्ल्ड कप फॉर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ने ये बात जाना वो ये टैग लगा दी, वहां पे स्टैंप लगा दी, जिस तरह फाइनल उनके हाथों से छीना था ना, उनके गले से निकाला था, आज उन्होंने उनको गिरफ्तार से पकड़ के बाहर फेंक दिया स्टेडियम से कि भाई तुम लोग जाओ, तुम्हारी औकात में नहीं है कि अब तुम टीम इंडिया को हरा सको, अब टीम इंडिया जो है ना वो नहीं रही जो 2023 वर्ल्ड कप के अंदर फाइनल में थी भाई, अब तो रोहित शर्मा जो है ना वो ऐसा धोया उस बंदे ने, ऐसा
धोया, जो उसके जख्म थे ना वो ताजा थे, वो जो है ना वो जख्म उसके, मैं कहता हूँ अभी तक मरहम पट्टी उसके ऊपर लगी नहीं थी, आज जो है ना वो सुकून से मरहम पट्टी उसके ऊपर लगाएगा, बैठेगा और अपनी इनिंग दोबारा देखेगा। 19 बॉलों के ऊपर 50 मारना खाला जी का वाड़ा नहीं है। आगे से भाई इतनी नंबर वन ऑस्ट्रेलियन की बॉलिंग लाइन पे, मिचेल स्टार्क वहाँ पे, कमिंस वहाँ पे, जैम्पा जैसे, हेजलवुड जैसे, जिसने आज इतनी अच्छी हेजलवुड ने बॉलिंग की है। और भाई स्टार्क को क्या किया, 4 छक्के ओवर में लगा दिए हैं 29 रन, और वो भी वो वाला ओवर जिसमें विराट कोहली आउट होते हैं फौरन नेक्स्ट ओवर में 4 छक्के मारना। भाई ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने कहा था कि मुझे 5वें ओवर तक आप लोगों ने आउट कर लेना, अगर आउट कर लिया तो आप लोग बच जाओगे, अगर नहीं किया तो तुम्हारी जो है ना वो खैर नहीं है। उसने भाई प्रूव करके, और उसने बंदे ने प्रूव करके बता दिया, और उसने कह दिया कि तुम्हारी ऑस्ट्रेलिया खैर नहीं है। और 41 बॉलों पे 92 स्कोर, ऑस्ट्रेलिया को ऐसा तिकनी का नाचना चाहिए ना कि उनको उनका दादा याद आ गया, जो कब्र में सोया हुआ है ना वो याद आ गया कि भाई उसके जमाने की क्रिकेट उनको याद आ गई है। आज बड़ी जो है ना मार पड़ी ऑस्ट्रेलिया को, उनको मार मार के लाल कर दिया भाई। बिल्कुल ऐसी सर, 8 छक्के 7 चौके भाई, अनबिलीवेबल। विराट कोहली का मेरे हाल में भी हिस्सा उन्होंने अपनी बैटिंग में डाल लिया, अपनी बैटिंग में डाल दिया भाई। उसने सारे रिवेंज जो पूरे करने थे भाई, वो कैप्टन था। आज इंडिया की आवाम बड़ी खुश होनी है, सारा आवाम बड़ी खुश होनी है। मैं कहता हूँ आज आवाम मातमकारियों की खुशी से खुशी के, मैं कहता हूँ उनके आंसू ऑस्ट्रेलिया की आवाम मातमकारी होगी या इंडिया की? नहीं, इंडिया की खुशी से करी, ऑस्ट्रेलिया के तो रो रहे होंगे यार बेचारे, वो तो खुद को मार रहे होंगे, पीट रहे होंगे कि भाई ये क्या कर दिया हमने इंडिया के साथ पंगा लेके। तो स्टेटमेंट भी जो उन्होंने दी है मिचेल मार्श ने, वो भी उनके अंदर गुस्सा ही दिया उन्होंने। नशे में बैठा हुआ था भाई, वो नशे में बैठ के कुछ भी बोल देते हो भाई, कहता कि हमारी टीम इंडिया जो है ना वो हमारी फेवरेट अपोनेंट है, हम तो उनको इस तरह हरा देंगे भाई। उनके शहीदों से आप लोग कैसे हराए, पता लग गया उनको भाई शहीदों से, उन लोग उनके शहीदों से आप लोग जीत नहीं सकते, और बातें करते हो साधों से जीतने की। और भाई दोबारा पैदा हो गया वो मिचेल मार्श, वो कमिंस जो जीत गया था, आपके बस की बात नहीं है, कितना इजी कैच छोड़ दिया। क्या कहेंगे, प्रेशर किस तरह आया था भाई, इतना इजी कैच जो है ना वो ड्रॉप कर रहा है गली के ऊपर जाके, मतलब इतना प्रेशर यार, इतना इजी कैच जो कोई भी प्लेयर जाके कर सकता है। मैं कहता हूं जो सबसे कैचेस रेशियो ड्रॉप जो है ना वो पाकिस्तान की है, अगर पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी वहां पे खड़ा होता तो वो भी कर लेता, तो ऑस्ट्रेलिया वाले जो है उनसे ऑस्ट्रेलिया वाले के चेहरों पर टेंशन नजर आ रही थी कि भाई वाकई वो जो है सही शदीद डिप्रेशन में है वो। एग्जैक्टली भाई, और डिप्रेशन का टीका उसने लगाया जो रोहित शर्मा ने आज ऐसा टीका लगाया, वो बल्ले से भाई उसकी छक्के नहीं चल रहे थे आज तो उसने, मैं कहता हूं गन फायर मशीन फायर नहीं होती, वो पकड़ी हुई थी। जो भी बॉलर आ रहा था मिचेल मार्श को समझ नहीं आ रही थी यार मैं किससे ओवर करवाऊं, जिसको भी बॉल पकड़ाता था वो मिचेल मार्श हो, वो जनाब स्टार्क हो, वो कमिंस हो, वो एडम जैम्पा हो, जिसको भी बॉल पकड़ा रहा वो स्टोइनिस हो। स्टोइनिस को 56 रन उन्होंने मार दिए 4 ओवरों में, फिर सूर्य कुमार यादव आते एक बंदे से जान छुड़वाई, कैप्टन से जान छुड़वाई, फिर सूर्य कुमार आके मारने लग गया उससे जान छुड़वाई, फिर हार्दिक पांडे ने आके इनकी धुलाई कर दी भाई, किसी ने भी आज नहीं। ये देखे इस मैच में बहुत सारी चीजें हुई है जो कम बैक हुआ है हिंदुस्तान का। अक्षर पटेल का वो कैच दोस्तों, आए हाय, अक्षर पटेल की पतली लुली सदके जाए पतली लुली क्या कैच पकड़ा है पतली लुली ने भाई, हमें लग रहा था 6 हो गया, लेकिन भाई क्या उल्टे हाथ का जंप वाला कैच पकड़ा, और उसी कैच के बाद से पूरा गेम ही चेंज हो गया भाई। और भाई कुलदीप यादव का इस लंगड़े को आउट करना, ये देखे ये आईपीएल में इसने पैसे लिए थे लेकिन रन्स नहीं बना रहा था, 0-0 पे साला आउट हो रहा था, लेकिन यहाँ देखे ये लंगड़ा साला अपनी पुस्की, कभी स्वीप शॉट मार रहा है, रिवर्स शॉट मार रहा है, उल्टे शॉट मार रहा है, ऐसे शॉट, ऐसा लग रहा है कि भाई कोई नाच रही है यहाँ पे, कोई छमिया नाच रही है लेकिन कुलदीप यादव ने कहा कि बेटा मैं तेरा बाप हूँ, ऐसी बॉल कराऊंगा कि तुझे पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आया कहाँ से घुसा क्या जबरदस्त कैच पकड़ा है जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग पे रोहित शर्मा ने, और उसने हेड को देखते हुए आंखों ही आंखों में जो है टपाटप कर दिया, चल भाई हाफ बिरयानी तू पहले निकल मजा आ गया भाई, मजा आ गया, लव यू यार हिंदुस्तान, लव यू। अब यार बस अफगानिस्तान को ना बांग्लादेश से जीतना है, और बांग्लादेश वालों यार तुम लोगों को फायदा भी नहीं है ये मैच जीतने का हमने कभी मैच फिक्सिंग नहीं की है, आज फिक्स कर लो हमारे साथ भाई वेल डन भाई, वेल डन, कांग्रेचुलेशन। आज इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा कर ऑस्ट्रेलिया का गरूर पाश पाश कर दिया है, और इंडिया ने 2023 के वर्ल्ड कप का बदला ले लिया है ऑस्ट्रेलिया से। पहले ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान ने छठी का दूध याद कराया, और आज जो है इंडिया ने अच्छी खासी धुलाई की है ऑस्ट्रेलिया की। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अरमगान मौजूद है। अरमगान क्या कहेंगे, आज इंडिया ने अपनी 6-6 की स्ट्रीक बरकरार रखी, पहले आयरलैंड, फिर USA, फिर बांग्लादेश, फिर अफगानिस्तान, एक के बाद एक टीम को हरा कर आज इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का भी पत्ता साफ कर दिया है।
मैं कहता हूँ मैम मैं तो हैरान हो गया हूँ कि उन्होंने कर क्या दिया, मतलब कि छः के छः मैच उन्होंने कोई एक मैच नहीं आ रहे, जिस तरह वो वर्ल्ड कप में कोई एक मैच नहीं आ रहे थे, एंड पे जाके ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हार गए थे, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ जो कर दिया ना, मैं कहता हूँ खीर कर दिया, मज़ा आ गया। कोई मतलब कि मैडम मैं सोच ही नहीं सकता कि यार उन्होंने छः के छः मैच, कोई एक मैच भी उन्होंने मिस नहीं किया, मतलब कोई एक मैच नहीं आ रहे, इतने वो स्ट्रॉन्ग थे। हालांकि विराट कोहली इस दफ़ा इतना नहीं चला, वो ना उससे कोई सेंचुरी हो पाई ना कोई इतना हो पाया, लेकिन यार मैं कहता हूँ खीर मतलब जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ वाला काम हो गया मैम, बहुत मज़ा आया देख के, पूरा T20 ने इंजॉय करा दिया इंडिया ने। मैं कहता हूँ आई लव यू यार इंडिया टीम वालों, तुम लोग ब्रांड बन चुके हो, हम लोग पाकिस्तानी हैं, मैं नहीं कोई और मेरे साथ हम साए मेरे दोस्त वगैरह पाकिस्तानी टीम को बहुत सपोर्ट करते हैं, बट मैं पाकिस्तानी टीम पर लानत भेजता हूँ, क्योंकि ये है ही लानत के काबिल, ये लोग ना कुछ कर सकते हैं और ना इन्होंने कुछ करना है। इंडिया वाले जो है ना वो मैं कहता हूँ खीर मतलब यार एक ब्रांड बन चुके हुए हैं कि छः के छः मैच को एक तो हार जाते यार। ये आज का मैच जो था वो बड़ा तगड़ा समझा जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा और चांसेस थे कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हरा सकता है, लेकिन इंडिया जिस जज्बे के साथ जिस पैशन के साथ ग्राउंड में उतरा, आज उन्होंने ना ऑस्ट्रेलिया को जो है वो 2023 का बदला ले लिया ऑस्ट्रेलिया से। वही मैडम आपने मेरे मुंह की बात कर दिया कि इंडिया ने बदला लेना ही लेना था, वो कभी छोड़ने वाला मुल्क नहीं है, और खास तौर पे स्पोर्ट्स में क्या अदरवाइज भी जो उनके मामला आते हैं वो किसी में पीछे नहीं रह रहे, सबसे टॉप पे निकलते जा रहे हैं, वो एक उनकी इकोनमी इतनी कोई ब्रांड बनती जा रही है कि हम पाकिस्तानी रोटी को तरस रहे हैं और वो लोग चांद पे पहुंच रहे हैं। मतलब ये बातें तो हो गई ना साइड पे, काम करते हैं स्पोर्ट्स की बात, तो ये ऑस्ट्रेलिया से बदला लेना ही लेना था उन्होंने मैडम। मैं कहता हूँ खीर मजा आ गया, आई लव यू इंडिया टीम वालों। अफगानिस्तान वालों ने आपने देखा कि क्या हाल किया ऑस्ट्रेलिया का, कहाँ गया ऑस्ट्रेलिया की नंबर वन बैटिंग। मैं कहता हूँ इंडिया वालों ने अफगानिस्तान वालों ने जूतियां मारी हैं, आखिर मजा आ गया। मैक्सवेल जो तेरे साथ हुई है ना, बड़ा तू बना था अफगानिस्तान को, तूने 200 कुछ स्कोर से डाया था, कैसा उन्होंने अंदर दिया, मजा आ गया आखिर। मैं कहता हूँ आखिर मजा, मैम मेरे से बात अल्फाज ही नहीं है मेरे बात करने के लिए कि उन्होंने कर क्या दिया, उनके साथ बहुत मजा आया। कहते हैं कि गरूर का सर नीचे होता है, ऑस्ट्रेलिया ने 2023 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद जिस तरह ट्रॉफी को अपने पैरों के नीचे रखा था, इसी तरह आज इंडिया ने और फिर उससे पहले जो अफगानिस्तान ने इनको इनकी औकात दिखाई है कि तुम लोगों की क्या औकात है। वही ना मैम, ये तो सिर्फ एक ट्रॉफियां लेके खुश हो रहे हैं, उन्होंने असल बताया है इनको कि आओ मैदान में इस तरह आते हैं, वो तो सिर्फ कुछ क्या कहते हैं इंडिया वालों ने कहा था कि यार हमारे मुल्क में आए हैं ये लोग खेलने, उन्होंने जाने दिया फाइनल, नहीं तो इनकी ये भी औकात नहीं थी कि वो फाइनल जीत जाते। और अफगानिस्तान ने भी अपना बदला लिया, ये मुझे याद आ गया कि जो इन्हें मैक्सवेल ने उनके साथ किया था ना, आज उन्होंने भी वही कर साबित दिया है कि हम लोग भी तुम्हारे बाप हैं, खाली तुम लोग ब्रांड नहीं, हम तुमसे डबल ब्रांड है, मजा आ गया। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और भारत की शानदार जीत पे पाकिस्तानियों का ये रिएक्शन आपको काफी मजेदार लगा होगा और ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगी, जहां पे आपने देखा भारत की जीत पे पाकिस्तानी काफी जबरदस्त रिएक्शन देते नजर आए और काफी खुश नजर आए, और हम जानते हैं कि हमारी टीम ने बहुत ही जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया और ऑस्ट्रेलिया को हरा के भारत सेमीफाइनल में पहुंच गई है, और इस वर्ल्ड कप में भारत अभी तक एक भी मैच नहीं आ रही, और हम यही उम्मीद करेंगे कि ये सिलसिला जारी रहे और भारत इस बार वर्ल्ड कप जीतकर ही वापस आए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत।